विद्यार्थियों, हम विद्युत चुंबकीय विकिरण पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ये बताया था फ्लक्स में फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये मेरे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर आपको फैराडे का नियम बता चुका था। फैराडे का नियम मैंने ये बताया हुआ था। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ लेंस का नियम। तो लेंस ने ये बता दिया फैराडे के रूल के अकॉर्डिंग कि जब किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा वह होती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है उसी का अपोज या विरोध करता है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता। देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए मेरे पास ये मैं किसी कुंडली के पास नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, इसको लेके आ रहा हूँ। और दूसरी कंडीशन में ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, मैं इसको दूर ले जा रहा हूँ। ये मान लो कुंडली है, ये मान लो कुंडली है, ठीक। अब कुंडली से बद्ध ये फ्लक्स है, यहाँ पर भी कुंडली से बद्ध ये फ्लक्स है। तो जब अपन नॉर्थ पोल को कुंडली के पास लेके आते हैं तो फ्लक्स में ये वृद्धि हो रही है, फ्लक्स में वृद्धि। और ये कैसा हो रहा है, क्योंकि दूर ले जा रहे हैं इसलिए ये क्या हो रहा है, फ्लक्स में कमी। तो देखिए जब मैं इसको पास लेके आ रहा हूं तो जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें धारा इस प्रकार बहती है
ये नियर एंड नॉर्थ पोल बन जाता है। और जब अगर नॉर्थ पोल बन जाता है, यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोल देते हैं हवर धारा है। इसको मैं बोल देता हूं, इसमें बोलता हूं ईडी करें। फैराडे ने यह बताया था कि किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वो धारा उत्पन्न होती है। इसी को हम किसी चालक के साथ कन्वर्ट कर दें तो ये जो धाराएं उत्पन्न होती है इनको हम भंवर धारा बोलते हैं। देखिए, यदि किसी चालक से बद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन या जाता है तो चालक तो चालक में भंवर के समान धाराएं पन होती है जिनकी दिशा लेंस के नियम ज्ञात की जाती है। इन्हें आवाज धाराएं कहते। देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके चलता हूँ, मान लीजिए ये आपके पास एक दंड चुंबक है, ऐसा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और इसमें मान लो मैंने एक प्लेट को यहाँ पर किसी के थ्रू लटका दिया और मैं इसको ऐसा 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 करके घुमा रहा हूँ, तो कंडीशन क्या होती है, ये प्लेट तुरंत रुक जाती है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग में वृत्ताकार फॉर्म में भंवर धारा उत्पन्न होती है जो मोशन का अपोज करती है। अगर ये मान लीजिए ऐसा जा रहा है, ये ऐसा भंवर धारा ऐसे ऐसे जा रहा है तो भंवर धाराएं ऐसे जाती हैं और ऐसे व्यक्ति धाराएं उत्पन्न होती हैं, इनको भंवर धाराएं कहते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के ऊर्जा की हानि